अब चलते हैं राफेल मामले पे। अब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू आया था और उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा, पहली बार उन्होंने पत्रकार से मतलब वो उनका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वो किया, और पत्रकार से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सफाई दी है, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है, वगैरह वगैरह ने मुझे क्लीन चिट दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। और जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, अगर राफेल मामले पे इन्वेस्टिगेशन होगा तो दो नाम है भाइयों और बहनों, दो नाम है, नरेंद्र मोदी जी और अनिल अंबानी जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं महीनों से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स का पैसा चोरी करके अनिल अंबानी जी को दिया है, 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। बुधवार को अमेठी में दिए गए राहुल गांधी के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने चौकीदार चोर वाले बयान पर राहुल को कोर्ट में घसीट लिया। लेखी ने राहुल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की अर्जी लगाई, जिसमें राहुल के बयान को गलत बयानी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने लेखी की अर्जी स्वीकार करते हुए सोमवार को सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर कर दी। मामला बहुत सिंपल है। आप लोगों के माध्यम से जगह जगह पर कई तरीके की रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसके अंदर ये पाया गया कि लगातार बेबयानी की गई है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे बयान दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा ऑर्डर पास किया, वैसा ऑर्डर पास किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया। और वो सब चुनावी माहौल के अंदर इलेक्शन को भटकाने के लिए किया जा रहा है। और चौकीदार चोर है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 30,000 करोड़ अंबानी को दिया ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जबकि वो याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट एक हिस्सा सुन चुका है, बाकी का पेंडिंग है। ये तमाम मामला जो है ये किया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भटकाने के लिए। एक परिवार जिसमें 4 एडल्ट में से 3 जमानत पर है, वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे, वो सब चीज़ें तो खैर छोड़िए, वो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं भी डील कर लेंगे। मगर जो विषय बड़ा है, वो बड़ा विषय ये है कि ये किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। एक ऐसा इर्रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़ने नहीं आते, वो क्या भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। राफेल डील को लेकर राहुल गांधी चुनावी रैलियों में चौकीदार चोर के नारे लगाते रहे हैं। इस नारे से वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को घेरते रहे हैं, लेकिन इस नारे पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देना इस बार उन्हें महंगा पड़ गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के पुनर्विचार याचिका की सुनवाई को मंजूर करते हुए केंद्र सरकार को झटका दिया था, लेकिन तब राहुल ने इस फैसले को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। राहुल ने कहा था कि सच सामने आ गया है, कोर्ट ने भी कहा है चौकीदार चोर है, इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बीजेपी ने 2 दिन पहले ही बयान पर राहुल को घेरा था। रक्षा मंत्री ने खुद मैदान में आकर राहुल पर गलत बयानी का आरोप जड़ा था। सेटबैक बिल्कुल नहीं, अभी तो पूरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कांग्रेस। चुनावी घमासान में सियासी बयानबाजी और नारेबाजी तो चल जाती है, लेकिन कोर्ट के फैसले में अपना शब्द जोड़ना नहीं चल सकता। राहुल ने भी ऐसा ही किया। अब देखना है कि अवमानना के केस में राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं।